शांति। आज 7 मार्च 2022 हम सुन रहे हैं प्रातो शाकार हिंदी मुरली। आज का महावाक्य, इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कल क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे, सतयुग में हमारा कोई बीमार नहीं होगा। इस समय हमें बाबा समझाते हैं भक्तों का माफिक तुम्हें नहीं बनना, भक्तों तो माला जपते हैं और तुम्हें बाबा हमें तो सिद्धांत देते हैं, बच्चे तुम्हें स्मरण करो, मुझे याद करो तो सिमर सिमर सुख पाओ। तो कितना अंतर हो गया और कितना हमें फायदा होने वाला है। आज का प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत का बा हार का आधार क्या है? इसमें तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो इसका आधार क्या है? तुम्हें जीतना है, बाबा समझाते तुम्हें जीतना है, तो जीतने के लिए तुम्हें कौन सा टेक्निक को तुम्हें अप्लाई करना है? उत्तर, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत बा दूसरों की मत पर चलने से हार। सीधा बात बता दिया, एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया ना, अब तुम्हें मेरी से बुद्धि जोग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे आसानी से। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिट पीट में आए तो पराई छोरी तो माया मुख फेरा देगा, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि बाबा उम्मीद करता है हम सब पास करने वाले, हम सब पास होने वाले और बाबा का पास रहने वाले, पास विद ऑनर होने वाले, हमारा ही विजय होगा। आज का गीत है, देख तेरे संसार की हालत। तो ये भक्ति में गीत बनाया है, इसका अर्थ बाबा समझाते हैं। ये सारा मुरली में बाबा ने इसका ही तो बाबा बहुत बहुत गहराई विश्लेषण किया है। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है देखो, इंसान बहुत ऊपर भी उठता है बहुत नीचे भी गिरता है। इस समय हमें नीचे से ऊपर उठना है। यो सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो, तो मनुष्य कितना ऊंचते ऊंच जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे नीचा जा सकता है। तो आज हो गया दुनिया का, तो इसीलिए गीत भी सुंदर बनाया है। आज संसार का हालत देखो, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे तो बाबा को भिन्न भिन्न नाम से हम पुकारते आए हैं, तो बाबा को हम शिकायत करते आए हैं, आज दुनिया का हालत बहुत खराब हो गया। मनुष्य सतयुगी सतप्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, ये राइट है हमारा, ये हम टेक्निक अपनाने से ये प्राप्ति हम जरूर कर सकते हैं। और मनुष्य ही तम प्रधान वैर्थ नाट्य पैनी बन सकते हैं, जो आज कलयुग में माया रावण हमको द्रापर से इतना हमें कंगाल बना दिया, बैठ नटी पहने बना दिया। तो सभी चीजों का मूल्य है, मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा, बाप आकर तुम्हें तो आसानी से तुम्हें समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। एक ही पतित पावन सदगति दाता है ना, तो दिल में ये छाप देना चाहिए, ये एक ही पतित पावन है, दूसरा कोई पतित पावन हो ही नहीं सकता। माया रावण हमें बहुतों का बिलीफ तो अंदर में बिठा दिया है, ये बिलीफ को हमें तोड़ना है, बाबा को सामने रखना है, दिल में बिठाना है, वही पावन बनाने वाला मेरा पिता, मेरा शिक्षक, मेरा सदगुरु है। रावण फिर पतित बनाते हैं, तो रावण को क्यों, हम रावण का मत पर क्यों चले? युद्ध स्थल में हमें जीतने के लिए राम का मत पर ही हमें चलना चाहिए। फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं एक एक बच्चों को, कितना ऊपर उठाते हैं, तभी गया जाता है ईश्वर की गात मात न्यारी जब संगम पर। तो ये भगवान ने आकर के ये यज्ञ रचा है, तो एक एक बच्चों को बाबा ऊपर उठाने के लिए कितना बाबा ये तो दिल को बाबा बहुत पालन करते हैं, बहुत ऊपर उठाते हैं, बहुत शिक्षा देता है, तो बहुत ऊंचा उठाते हैं। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। दुनिया का मनुष्य का मत तो है रावण का मत, पर मत तो गुरु मत, तो अपने मत ये बाबा का मत है श्रीमत, इसीलिए इसको न्यारी भी कहा जाता है, प्यारी भी कहा जाता है। बाप की महिमा अपराम अपार है, वो हमारा बाबा शिक्षक सदगुरु है, क्योंकि उन जैसी मत और किसका हो ही नहीं सकता। ये अंडरलाइन करने का बात है, उनको ही कहा जाता है श्रीमत भागवत, उनका ही जो संसार में वो आते हैं, जो मत प्रेजेंट करता है,
वो श्रीमद् भगवत बन जाता है तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। मौत तो सबकी होती है संसार में, बैरिस्टरी की मौत होता है, सर्जन की मौत होती है, धोबी की मौत होता है, सन्यासियों का मौत होता है, उदासियों आदि की भी मौत होता है। तो बाबा ने कहा जो अच्छा है वो उसको हमें पकड़ना, जो अच्छा नहीं है उसको हमें छोड़ देना है। तो फिर भी गाया जाता है, ईश्वर तुम्हारी गौत मात सबसे न्यारी है, प्यारी है, ऊंच है, महान है, श्रेष्ठ है। परमपिता परमात्मा ही ऊंची ते ऊंचा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, हमारे पिता सदगुरु शिक्षक है, यह कोई मनुष्य व देवता की मात नहीं है। इससे हमें जरूर अलग समझना चाहिए, ऊपर समझना चाहिए। तुम्हारी में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। ये भी निराली बात बाबा ने बता दिया है, निश्चय बुद्धि का ही विजयंती होता है। वो जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं, कितना ऊपर उठते हैं, कितना विश्व कल्याण हम कर सकते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, बाबा का बहुत सारे तो कर्तव्य है, गुणवाचक कर्तव्य वाचक बाबा का नाम है। तो बाबा का इस प्रकार आज भी बाबा सुनाते हैं, मैं तो लवफुल हूँ, पीसफुल हूँ, हर बात में फुल है बाबा, कंप्लीट है, सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज है, दया का सागर है, प्यार का सागर है। तो किस बात में कहे, मनुष्य को तो चाहिए थोड़ा सा, और बाबा का पास है अताह का। तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है, फुल वर्षा तो कंप्लीट वर्षा बाप से हमें मिलने वाला है। फुल वर्षा क्या है तो ये भी तो हमें समझना चाहिए, हमारी थॉट्स तो ये थॉट्स को इस प्रकार हमें मिलाना चाहिए। नंबर वन विश्व का मालिक बनना तो ये है फुल वर्षा, काम नहीं, वन 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 में जाना, कृष्ण का साथ हमें तो पाठ बजाना, जब वो गद्दी पर बैठे उनका अंग संग में रहना, तो यह हमारा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हमारा लक्ष्य, हाईएस्ट हमारा एम ऑब्जेक्ट। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए, तो जब बाबा तो बाबा के लिए हम भगवान के लिए इतना हजार साल हम इंतजार किया, जब वो आया आकर आमना सामना हुआ, तो ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो हमें करना चाहिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ तो हमें करना ही चाहिए। तो हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, सारी दुनिया उनकी माला फेरती है। देखो तो बाबा कहते माला फेरने से क्या होगा, सिमरणी जरूर तो सिमरती है, जो स्मरण स्मरण करने वाला वो तो हाथ में लेकर के बहुतों का नाम लेते हैं, माला जपते हैं, परंतु सिमरणी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। वास्तव में भगवान इसका अर्थ बताते हैं, ऐसा नहीं मुख में तुम राम 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 कहते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहो, तो इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, जब एक को जाना, अपने को जाना, तो एक का अंत में खो जाओ, इसको ही बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा मेरा क्या है, बाबा बाबा का कितना लवफुल मर्सीफुल एक्टिविटी है, तो एक एक एक्टिविटी को बहुत बहुत तो ध्यान से हमें समझना, सुनना और समाना, अर्थात एक का ही सिमरन चाहिए। दुनिया में बहुतों को बहुतों का प्रति हमारा ध्यान जाता है, लेकिन बाबा बार बार समझाते हैं बहुतों का मौतों में तुम्हें नहीं जाना, फिर यो लोग सबको क्यों सिमरते हैं। बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। आज दुनिया में कितना भक्ति का विस्तार है, इस महीना में ये फलाना देवी का पूजा करेगा तो दूसरा महीना में तो दूसरा देवी का पूजा करेगा, फिर पूजा करके उसको डुबा देगा। तो ये रावण हमें सिखाया और नीचे गिराया, कंगाल बना दिया। तो बाबा कहते ये क्यों करते आए हो, ये तो तुम्हारा कोई मत नहीं, ये रावण का मत है, मुझ बाप को खूब याद करो। बाबा बहुत अंडरलाइन करने का बात समझाया, बहुत बच्चों को इम्प्रेस किया, मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मेरी समान बन जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, मैं डायरेक्शन देता हूँ। बच्चे तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके सिर्फ मुझ बाप को याद करो, एक ही एक्टिविटी तुम्हें करना है, एक ही बात को तुम्हें पालन करना है, कितना सहज उपाय है ना। फिर बाबा दोहराते हैं, कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पाओ, जीवन मुक्ति तुम्हारा बात राइट है, तुम्हें जीवन मुक्ति मिलने वाला है। तो कल क्लेश सब तन के मिट जाएंगे, आज खांसी है, काल बुखार है, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का तो इस शरीर का बीमारी आते हैं इस अंतिम समय में। तो बाबा समझाते हैं ये सब मिट जाएंगे, सतयुग में तुम निरोगी बनेंगे,
वहां तुम्हारे शरीर का कोई रोग नहीं रहेगा। सत्ययुक्तता में और बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, गारंटी देते हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। तो ये तो वैल्यूएबल तो सुपर सर्जन आया है, ये सर्जन का बात हमें समझना चाहिए ना, लोगों को बताना चाहिए ना। आज दुनिया में कोई अच्छा डॉक्टर हो तो अच्छा डॉक्टर से किसी को फायदा मिलता है तो वो दूसरों को बताते हैं, दूसरे तीसरे को बताते हैं। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है, बाबा कहते हैं ये टेप रिकॉर्ड उस समय निकला हुआ है। ब्रह्मा बाबा बहुत खुश था, ये टेप रिकॉर्ड माना बाबा का मुरली टेप में रिकॉर्ड होता है, फिर उसको संभाल के बजाने से तो बहुतों को सुनने को मिलता है। उस समय ये साइंस का इन्वेंशन निकला है तो ब्रह्मा बाबा बहुत खुश होता है, खुश हुआ और दूसरों को भी इम्प्रेस करते हैं। तो जरा भी मिस नहीं करेंगे ये टेप में जो रिकॉर्ड हो, बहु जो बहु कोई भी बात करो, कोई भी गाना गाओ तो हो बहु रिकॉर्ड हो जाएंगे। उस समय वो सिस्टम था। तो बाकी तो एक्सप्रेशन वो तो दिखाई में नहीं देता, वो आवाज आता है, ऑडियो है, तो एक्सप्रेशन को तो नहीं देख सकेंगे, बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। तो बाबा जब मुरली चलाते थे तो बाबा बहुत एक्सप्रेशन करते थे, ये बहुतों को तो बहुतों को आकर्षण करने वाला बाबा का ये क्वालिटी था। ये टेप मशीन जो खजाने की खान है, इस ब्रह्म जीवन का ये बहुत बड़ा एक दान है, बहुत बड़ा एक खजाना है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं तो गीता छपा करके दान करते हैं, समझते हैं ये महान पुण्य होता है। ये टेप कितनी वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं हर सेंटर में ये होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट का पास ये होना चाहिए। उस समय का बात है, बाबा कहते हैं अभी तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा इन्वेंशन निकल गया है। आज तो हाथ हाथ में ये मोबाइल आ गया है, मोबाइल में भी ये गाना बजते हैं। तो जरा नाजुक है, बाबा कहते हैं ये टेप रिकॉर्डर बहुत नाजुक है, सेंसिटिव है, इसीलिए सामान से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी, तो यहाँ करके रोज अपने को चार्ज करा के जाओ। ये भगवान का विश्वविद्यालय है, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा तो यहाँ से मिल सकता है, मुरली से ही सब कुछ मिलता है। जीवन में जो कुछ भी चाहिए तुम्हें तो ये सुख सुविधा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये मुरली से तुम्हें मिल सकता है। परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है, या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। बाबा कहते हैं ये भी हम बच्चों को समझना चाहिए, राम एक बार मोहित करते हैं, रावण ने तो आधा कल्पों से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दिया है। बाबा ने कहा दलदल बना दिया, तो ये मिट्टी गोबर का जो ये तो जो ढेला है, इस प्रकार माया रावण बना दिया है। यह हर चीज तम प्रधान है, देखो यह हर चीज, ये कलयुग दुनिया में हर चीज तम प्रधान है। पांच तत्व भी तम प्रधान हो गया तो सतयुग में पांच तत्व भी बहुत सत्व प्रदान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है ना, लेते कौन है, ये भी बाबा समझाते हैं। यो तो सब जानते हैं, विनाश होना है जरूर, सब कहते हैं यो वही महाभारत महा भारी लड़ाई का समय आ गया है, सभी धर्मों वाले कहते हैं। तो बाप तो कब से कहते आए हैं, लेकिन बच्चे तो समझते नहीं है। तो सबको काल खा जाएगा, ये हकीकत होने वाला है, परंतु होना क्या है यो समझते नहीं है। सभी तो बिंदास चल रहा है, आज सुना कल भूल जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापिस ले जाने के लिए आया हूँ, मैं महाकाल आया हूँ, मुझे ही महाकाल कहते हैं। मौत सामने कर रहा है ना बच्चे, इसलिए तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो, ये मौका है। जीवन मुक्ति में भी पद है, सतयुग में बहुत बहुत वैरायटी पद है, तो तुम पढ़ाई करके तो ये त्याग तपस्या करके ये पद तुम प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति में तो सब धर्मस्थापक बैठ जाएंगे, बाबा ने कहा। बाकी धर्मस्थापकों का सतयुग में आने का कोई पार्ट नहीं, वो तो परमधाम में बैठे रहेंगे अपना सेक्शन में। वो भी पहले जब आएंगे तो सतप्रधान, फिर सतो रजोतमो में आते हैं, वो द्रापर में आएंगे तब तो उसका बहुत सुख सुविधा होगा। धीरे धीरे तो उनका तो डाउन स्टेयर में उनको जाना होगा, तो फिर सत प्रधान में आएंगे, फिर सतो होगा, फिर सत सतो से रजो होगा, रजो से तमो होगा। ये बात सूक्ष्म बात है, समझने का बात है। तो बाबा समझाते हैं तो बहुत बनने के लिए आएंगे, बनने के लिए आएंगे, तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा
चढ़ता कल गुम हो जाता, मुर्दा बन जाता, सोडा वाटर हो जाता। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए तुम्हारा तो ये माइंड सेटिंग बहुत हाई लेवल का हो गया है, हाई लेवल का करना चाहिए। तो हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर तो पैर धरेंगे। बाबा समझाते ये हमारा मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। यह दिल्ली परिस्थान होगी जरूर, और परिस्थान में जाने के लिए गोल गोल तो बनना चाहिए, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा, चांस नहीं मिलेगा, लायक नहीं बनेंगे तो सतयुग में जाकर के क्या करोगे। इसीलिए बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अच्छा मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह अभिमान को छोड़ बाप को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतो मोती सो गोती हो जाए। बाबा कहते ये परफेक्ट अवस्था को हमें जमाना है, जमाना है तो कमाना होगा। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेड बनाना है, ये भी हमारा हाथ में है। बुद्धि का लाइन क्लियर रखे, बाबा के साथ हमारा कनेक्टिविटी रखे। तो नंबर 2, कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पराई नहीं छोड़नी है, अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है तो नरक को भूल जाना है। तो कृष्ण का ये ऐसा चित्र बना हुआ है ना, हाथ में स्वर्ग दिखाते हैं, पैर नरक का तरफ है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा प्रैक्टिकल इस समय का बात है। आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों को सामने रख, सर्व जो प्राप्तियां भगवान से मिला हुआ है इसको सामने रखो। तो श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवो, भगवान मुझे भरपूर कर दिया, सब कुछ खजाना मुझे दे दिया, तो ये शान में रहो करके मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। इसका अर्थ तो है हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उचते उचे भगवान के बच्चे हैं, यो शान सर्वश्रेष्ठ शान है, समान है। तो जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी भी परेशान नहीं होगा। आज दुनिया में देखो परेशानी से कितनों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो हमें बाबा परेशानी से बचा देते हैं, टेंशन से बचा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बेफिक्र बच्चा हो। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मण का शान है, ब्राह्मण जीवन उत्तम जीवन है, देवताओं से भी ऊंचा जीवन है सर्व प्राप्तियों की। तो ये लिस्ट जो बाबा बार बार हमें समझाते हैं ये सामने रखो, तो इसीलिए श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी है? तो और गीत भी अपना दिल से ऑटोमेटिक आता जाएगा, मुख से आता जाएगा, पाना सा तो पा लिया और क्या चाहिए। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएंगी, तो हमसे बड़ा और कौन होगा। ये स्वाभिमान में रहेंगे, ऊंचा समान में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं। तो ये जो बाबा मास्टर सर्वशक्तिमान का समान हमें दे दिया तो ये समान में हम अवश्य स्थित हो पाएंगे। स्लोगन है योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी बनो, पवित्र बनो, सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिक आपका तो पास आ जाएंगे, आपका संपत्ति बन जाएंगे। आज का समान है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अच्छा ओम शांति।